हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीके यूट्यूबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में जल्दी ही पोको F3 GT लॉन्च होने वाला है, जो कि चाइना का रेडमी के 40 गेमिंग एडिशन का रीब्रांड है। इसका फर्स्ट सेल 23 जुलाई को फ्लिपकार्ट पर होने वाली है, जिसका सभी को इंतज़ार है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये फ़ोन कैसा होने वाला है। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन इनेबल कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस फ़ोन के डिज़ाइन की बात करें तो इसमें हमें स्टील की बॉडी देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत सारी लेयर की कोटिंग देखने को मिलेगी। इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन होगी, जो कि इसके बैक और फ्रंट दोनों साइड देखने को मिलेगी। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 10-bit AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है, जिसकी ब्राइटनेस 500 nits होने वाली है। ये डिस्प्ले HDR10+ सपोर्ट करेगा। इसका साइज 66.67 इंच होने वाला है, जो कि काफ़ी बड़ा है, जिसमें कि 120Hz रिफ्रेश रेट और 480Hz टच सैम्पलिंग रेट होने वाला है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें काफ़ी हाई प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि बहुत ही पावरफुल होगा। इसमें MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है और गेमिंग यूज़र के लिए है। ये प्रोसेसर 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो कि बहुत पावरफुल है और बहुत कम बैटरी कंज्यूम करता है। 6nm बेस्ड होने के कारण ये बहुत कम बैटरी कंज्यूम करेगा और ये प्रोसेसर 5G प्रोसेसर है। इस फ़ोन के कैमरे की बात करें तो इसके बैक में 3 कैमरा सेट देखने को मिलेगा, जिसमें 64MP वाइल्ड कैमरा, 8MP अल्ट्रा वाइड और 2MP माइक्रो कैमरा देखने को मिलेगा। अगर हम इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसके फ्रंट में 16MP सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। इसके स्पीकर की बात करें तो इसमें डॉल्बी के डबल स्पीकर देखने को मिलेंगे, जिसके साउंड बहुत ही अमेजिंग होगा। इस फ़ोन में हमें 5065mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके साथ 67W का सी टाइप फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि इस फ़ोन को 40 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। इस फ़ोन का बेस वेरिएंट 6GB रैम 128GB रोम से स्टार्ट होने वाला है। बट अगर हम इस फ़ोन की कमी की बात करें तो इसमें आपको हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसमें हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें गेमिंग के लिए फन मोड मिलेगा, जिसको ऑन करके डबल स्विच इनेबल होगा, जिससे आप गेमिंग कर सकेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।